हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है अ डेज़ वेट बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे। अर्नेस्ट ने दोस्तों इसमें एक फादर और एक सन की स्टोरी बताई है, जिसमें से बेटे को कुछ कन्फ्यूज़न या फिर गलतफहमी हो जाती है दोस्तों, बुखार को लेकर, टेम्परेचर को लेकर के, जिसके कारण उसे बुखार ज़्यादा ही बढ़ जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि वो अब नहीं बचेगा। वो फादर उसका गलतफहमी कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। वो कैसे दूर करते हैं, क्या है स्टोरी, आइए हम डिटेल में जानते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद आइए हम स्टोरी पे आते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत होती है एक बच्चे से जो कि बाहर खेल रहा होता है। सर्दी का टाइम होता है और उसे सर्दी लग जाती है। जब वो अंदर आता है अपने घर में, तो उसका फादर उसे देखता है कि उसका जो चेहरा है वो काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद पड़ चुका है और वह कांप रहा है। उसके इतने ज़्यादा शिविर करने यानी कांपने की वजह से उसके पापा उसे कहते हैं कि जाओ तुम आराम करो, तुम्हें लगता है ठंडी लग गई है। पर वो बच्चा नहीं सुनता ये बात और वो वहाँ से चला जाता है। और अचानक जब उसकी पापा दोबारा देखते हैं, तो देखते हैं कि वो ऊपर जाने के बजाय नीचे बोन फायर के सामने बैठा है। उसे देखकर उसके फादर कहते हैं कि बेटा क्या हुआ, तुम इतने टेंशन में क्यों हो, क्यों इतना तक कपकपा रहे हो, कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं है, दिखाएं इधर आओ। जब वो अपने पिता को देखाता है अपने आप को दोस्तों, तो उसके पिता को समझ में आ जाता है कि मेरे बेटे को बुखार है, क्योंकि उसका शरीर जो है दोस्तों वो गर्म था। वो अपने बच्चे को कहता है वो नैरेटर कि तुम अभी ऊपर जाओ और रेस्ट करो। वो बच्चा थोड़ा गुस्से में होता है क्योंकि उसके पापा उससे जानबूझकर ये कह रहे होते हैं, उसे आग नहीं लेने देते। वो सोचता है नॉर्मल था, पर जब वो ऊपर जाता है रेस्ट करता है, तो उसके पिता एक डॉक्टर को लेके आते हैं दोस्तों। जब डॉक्टर आता है तो वो बताता है उसे कि कोई बात नहीं, नॉर्मल इन्फ्लुएंजा है, जैसे कि डे टू डे लाइफ में नॉर्मल बुखार होता है, सर्दी बुखार खांसी वही हो गया है, इसे ठंड लग गई है और इसका जो बुखार है वो 102 डिग्री हो गया है, जिसके कारण अभी इसे अजीब सा लग रहा है। अब ये बातें सुनकर वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और वो डरने लगता है। इसलिए उसके फादर जो होते हैं दोस्तों, वो उसे प्यारी सी एक स्टोरी सुनाते हैं पैरट्स की। पर वो बच्चा जो होता है वो चुपचाप अपने फादर को देख रहा होता है और काफ़ी डर सा होता है और पूछता है अपने फादर से कि क्या आपको यहाँ पे डर लग रहा है, आप यहाँ से मेरे पास से जा सकते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शन फैल सकता है, तो अगर आपको मन है तो आप जा सकते हैं। फिर उसके फादर गौर करते हैं दोस्तों कि उसे स्टोरी में भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। बार बार वो पैरट्स की कहानी सुना रहे थे और उसे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। वो बार बार एक ही बात बोलता कि अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है मेरे पास तो आप जा सकते हैं, क्योंकि ये बीमारी फैलती भी है ना, आप जाइए ना, आपको भी सर्दी हो जाएगा। और वो काफ़ी ज़्यादा उदास रहता है। इसके बाद उसके जो फादर होते हैं दोस्तों, वो सोचते हैं कि इसे रेस्ट करने देना चाहिए ताकि ये इसका बीमारी जल्दी ठीक हो जाए। वो कुछ मेडिसिन देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब मेडिसिन देने के बाद वो बाहर आते हैं क्योंकि भोजन की भी ज़रूरत होती है, तो वो शिकार के लिए जाते हैं अपने कुत्ते के साथ। जब वो अपने कुत्ते के साथ जा रहे होते हैं दोस्तों, तो वो तो ठंड का इलाका है, तो पूरा बर्फ़ जमा होता है और बर्फ़ में वो स्लिप कर जाते हैं, क्योंकि बर्फ़ बहुत स्लिपरी होती है दोस्तों। तो जब वहाँ स्लिप कर जाते हैं तो वो जो कुत्ता है वो उनकी मदद करता है उठने में। वहाँ पर जब वो पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि 5 बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई कर रहे हैं, पर वो सिर्फ 2 ही को मार सकते थे और बाकी वो उड़ गई। वो उसको दोनों को ले करके वो बर्ड को वो घर आते हैं। तब उन्हें पता चलता है जब वो घर पहुंचते हैं कि उनका जो बच्चा है वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया है कि वो किसी को भी अपने रूम में आने नहीं दे रहा है, और तो और वो काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा होने लगा है। तब वो अपने बेटे के रूम में घुसते हैं और कहते हैं क्या हुआ तुम्हें,
आओ तुम्हारा बुखार चेक करें। जब वो उसके पापा उसका बुखार चेक करते हैं दोस्तों, तो उस टाइम 102.4 हो चुका होता है। तब उसके फादर सोचते हैं कि जब डॉक्टर ने चेक किया था तो 102 डिग्री था और अभी 102.4 हो गया है, तो वो उसे झूठ बोल देते हैं ताकि वो थोड़ा कूल रहे कि तुम्हारा जो है 100 डिग्री ही है। पर वो जो बच्चा होता है दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और कहता है कि डॉक्टर ने तो 102 बोला, आपने 100 बोला, क्या मेरा बुखार नीचे उतर रहा है क्या, या फिर बढ़ने लगा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे जो फ्रेंच दोस्त थे, क्लासमेट्स, वो बताते हैं कि इतना बुखार में तो कोई भी मर जाता है, मैं मरने वाला हूँ क्या। यह सब सुनकर उसके जो फादर होते हैं वो उसे पैरट्स की स्टोरी फिर से सुनाने लगते हैं ताकि उसका ध्यान भटक जाए। पर फिर वो कहता है, मेरे दोस्त झूठ नहीं बोल रहे होंगे, फ्रांस के दोस्त, ज़रूर मुझे कुछ हुआ है, मैं अब नहीं बचूंगा ना, मेरे पास कितना टाइम है पापा। ये सुनकर उसके फादर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और बताते हैं कि तुम्हें गलतफहमी है बेटा, तुम्हारी कन्फ्यूज़न को मैं अभी दूर करता हूँ। तुम जिस दोस्त की बात कर रहे हो वो फ्रांस के थे, ठीक है, वहाँ पे टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है, जहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस एवरेज होता है, तो वहाँ पे अगर 100 डिग्री सेल्सियस या 102 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है। पर हम लोग जो डिग्री को नापते हैं वो फ़ारेनहाइट में नापते हैं, जिसमें 98 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल होता है, तो तुम्हें तो सिर्फ 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो तुम इतना डर क्यों रहे हो, कुछ नहीं होगा, तुम्हें एक नॉर्मल बुखार है, तुम तुरंत ठीक हो जाओगे। और यह सब बातों से उसे हिम्मत मिलती है दोस्तों, और वो बच्चा अब थोड़ा खुश हो जाता है और पैरट्स की स्टोरीज में खो जाता है, उसके बाद वह ठीक हो जाता है। तो उसे एक छोटी सी गलतफहमी थी दोस्तों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट्स को लेकर, जो कि उसके फादर उसका दूर कर देते हैं। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में अगर आपको भी कन्फ्यूज़न हो तो आप अपने पेरेंट्स से ज़रूर पूछें। और यहीं पे दोस्तों हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।